अब बेटा चैप्टर नंबर 6 करना है हमें, छठा पार्ट करना है, छठा अध्याय करना है घन तथा घनमूल कक्षा 8 का। देखो बहुत आसान है बेटा, इससे पहले हम क्या करके आए थे, वर्ग और वर्गमूल। अब वर्ग क्या होता था एक बार याद करें तो घन आपको अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा इसका, ठीक। जब बेटा वर्ग की बात करें तो ये होता था कि किसी के ऊपर वर्ग लगा देना, वर्ग मतलब पावर 2 लगा देना, 2 घात लगा देना। और 2 घात का मतलब होता है उसी की खुद से गुणा, तो वो हो गया 4। अब जैसे 3 की मैं कर दूं वर्ग तो हो जाता था मेरा 9, और 4 का कर दो तो होता 16, और 5 का कर दो तो हो जाता था 25। अब हमें पढ़ना है घन। क्या पढ़ना है बेटा? घन का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। तो किसी की घात अगर तुम 3 कर दो तो वो क्या निकल कर आएगा? उसका घन निकल आएगा, उसका घन निकल आएगा। और कोई पूछे घन मूल, तो बेटा घन मूल का मतलब होता है कि सीधा आपसे उत्तर बोले और पूछे किससे कर कर आया था। देखो अभी करते हैं फिर मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं 1 का घन करूँ, किसका? 1 का घन, तो अब यहाँ करेंगे घात 3 लगा दो बस, तो उसको 3 बार गुणा कर दो, 1 2 3, जैसे वहाँ 2 बार करते थे 3 बार कर दो, उत्तर आएगा 1। अब 2 को अगर मैं 2 की कर दूँ घन, तो मतलब 2 की घात 3, मतलब 2 की 2 से 3 बार गुणा हो गई, तो 2 दुनी 4 दुनी 8 हो गया इसका उत्तर। और अगर 3 की घात कर दूँ, 3 मतलब 3 का घन कर दूँ, तो क्या 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 3 27 हो गया बेटा इसका उत्तर। अब 4 की घन कर दूँ, मतलब 4 की गुणा क्या कर दूँ, खुद से ही 3 बार कर दूँ, 4 चौक 16 16 चौक 64 हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखो जरा, और आपके बुक में क्या दिया हुआ है, मैंने ये देखो यहाँ देखा है 5 का, तो 5 का करेंगे तो आएगा 125 25 25 25 25 125, 6 का आएगा 216, 7 का आएगा 343, 8 का आएगा 512, 9 का आएगा 729, और 10 का आएगा 1000, ठीक है बेटा। अब ऐसे जब आगे हो तो करते रहना। अब अगर आपसे क्वेश्चन उल्टी तरीके से पूछ ले, किससे पूछ ले? उल्टी तरीके से पूछ ले। अब आपसे ये पूछ ले सीधा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने आपको बोल रखा है कि 10 का घन किया तो 1000 आया, है ना? क्यों? 10 गुना 10 गुना 10 करने पर 1000 आया, सही बात है। अब कोई आपसे सीधा उत्तर पूछे और पूछे ये 100 जो है इसका अगर मैं घन मूल करूं, क्या करूं? घन मूल करूं, तो बताओ ये किसका घन करने पर आया होगा? तो हम क्या बोलेंगे? जी 10 का घन करने पर आया है। तो वो बोलेगा ऐसे कैसे बता दिया, करके दिखाओ। तो आपके क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे करके दिखाने के लिए ही पूछेगा। अब जैसे हम छोटा सवाल ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और एक छोटा ले लेते हैं फिर बड़े आराम से हो जाएंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ 64। अब आपसे कोई बोले कि 64 का घन मूल निकालो, घन मूल मतलब किसके घन करने से 64 आया, तो वैसे मुझे पता है कि 4 का घन करने से 64 आया था, 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 16 चौक 64 करने से मेरा आया था, ठीक। तो 4 आएगा कैसे? तो बहुत आसान तरीका है बेटा, हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम कर लो 64 का। अब करो 2 3 6 2 2 4 2 1 2, 3 में से 2 गया बचा 1, 2 5 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। अब बेटा एक बात याद रखो, जब हम घनमूल, अब जब हम इससे पहले वर्गमूल करते थे तो 2 2 के जोड़े बनाते थे, क्यों? क्योंकि घात भी तो 2 होती थी। अब यहाँ घात है 3, तो यहाँ जोड़े भी कैसे बनेंगे? 3 3 के, किसके? 3 के, तो 3 का जोड़ा बनाओ। जैसे 2 का 1 जोड़ा बन गया ना 3 का, तो उसे 1 बार लिख लो। अब देखो 1 3 का जोड़ा और बन गया, तो उसे 1 ही बार लिखेंगे। वहां पे 2 का जोड़ा बनता था एक बार लिखते थे, यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा एक बार लिखेंगे, 2 2 4, उत्तर क्या आया? 4। तो 64 का घनमूल क्या है? 4 है, मतलब 4 का घन करने पर हमें 64 प्राप्त हो जाता है। आसान है।